दोस्तों लोगों का कहना तो है कि यानी कि क्रिस 4 मूवी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, लेकिन ये चीज कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि क्रिस 4 मूवी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। लेकिन हम तो आप लोगों को कुछ लाइव बयान दिखाना चाहेंगे जो कि आप लोग इससे समझ जरूर जाएंगे। मैं कृषि भी शुरू नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पैसे वापस आने की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। देखिए क्रिश 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 है रेडी है स्क्रिप्ट वाइज, पर मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस कुछ डिवाइड हो रही है, वो थिएटर्स में आ नहीं रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर राकेश रोशन के जो बयान रहे वो काफी ज्यादा इंगेजिंग रहे, यानी कि स्क्रिप्ट का काम पूरी तरह से रेडी है, स्क्रिप्ट भी तैयार है सामने। लेकिन यहाँ पर जो यानी उनको एक डाउट है यानी कि उसके अमाउंट की, यानी अमाउंट रिकवर करने का सबसे बड़ा डाउट है। तो इसलिए यानी क्रिस 4 हमें उम्मीद है, यानी राकेश रोशन ने इतना तो बताया था, ये शुक्र है। लेकिन वहां पर ऋतिक रोशन से जब इस चीज को पूछा गया था तो ऋतिक रोशन ने साफ साफ मना किया था कि भाई अब क्रिस 4 के बारे में हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं। यानी अपडेट तो था लेकिन ऋतिक रोशन ने इस चीज पर खुलासा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही शायद 2025 के एंड तक या फिर 2026 तक हमें इस मूवी को देखने को मिल सकता है। अगर सही प्रपोजल रहे, ऑडियंस के जो रिव्यूज रहे वो ठीक रहे सिनेमाघरों में, बॉक्स ऑफिस में, तो उम्मीद है इसी सन में यानी 2024 में ही क्रिस 4 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इस पर स्क्रिप्ट पर काम करना नहीं है, कुछ करना नहीं, अमाउंट की बड़े अमाउंट लगेंगे वो तो है, लेकिन अगर बात करी जाए क्रिस 4 की तो राकेश रोशन के पास पैसा हो जाएगा, है इतना बड़ा अमाउंट है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं जो कि राकेश रोशन ऋतिक रोशन के डैडी भी हैं। काफी अच्छे अमाउंट की मूवी होने वाली क्रिस 4 जब भी आएगी बड़े धमाके के साथ आएगी। क्रिस 4 ने हमें इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कोई मिल गया से इसका सिलसिला जब चालू हुआ था वहीं से हमें इसका इंक्रीज देखने को मिला। क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, यानी कि क्रिस नाम से जो आगे आगे पार्ट आते गए हमें एक से बढ़कर एक चीज देखने को मिली। इसमें देखने को ये चीज मिली कि यानी कि जमाने के हिसाब से क्रिस के पार्ट भी ढलते हुए हमें नजर आए, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस क्रिस 4 को देखने के बाद हमें लगेगा। और राकेश रोशन ने जो कहा प्रॉपर कहा और हम इस बात से सहमत भी हैं और अच्छा भी लगता है अगर ऐसी कुछ बड़ी मूवियां हमारे सामने पेश की जाती है कुछ अच्छे बजट में। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं क्रिस 4 के बारे में, हमें छोटे से कमेंट में बड़ी सी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।